करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो हृदय प्रसन्न होकर उसके हृदय में भगवान प्रकट होंगे। भूत प्रेत की सदगति के लिए कुछ कर ले तो ठीक है, लेकिन भूत प्रेत मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, और भूत प्रेतों का भगत बन जाता है तो मरते समय फिर वो भूत प्रेत की योनि में जाता है। किसी के मंगल के लिए काम करो भगवान के नाते तो भगवान को पाओगे, और भगवान का भजन भगवान के लिए करो तो भगवान को पाओगे, लेकिन भगवान का भजन करते हो शत्रु की टांग टूट जाए, मेरे को बेटा मिल जाए, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मैं फलाना हो जाऊं, तो अभी नहीं तो दूसरे जन्म में, लेकिन ये पदवियां तो मिलेगी, अंत में ये छोड़कर फिर से जन्मो और मरो। इसलिए भगवान ने साफ कह दिया कि मेरे निमित्त करते वो मुझे पा लेते हैं, अर्थात वो भगवान के साथ एकाकार होकर मुक्त आत्मा हो जाते हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो एक टुकड़ी रास्ता भूल गई, अंधेरी रात को हे भगवान अब क्या करें, तो इतने में एक अजगैवी आदमी आया कि मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता। आदमी जल्दी जल्दी चला, चलता गया और लकड़ी की छोटी सी पुलिया पार करा कर हिंदुस्तान की सरहद और यहां से पाकिस्तान पर अच्छी तरह से वार होगा वो जगह बताकर वो व्यक्ति अदृश्य होने को था, तो देखा कि उसके पीठ पे बड़ा सा घाव। बोले ये कैसे? बोले मुझे गोली लगी थी। इतने में वो चला गया। बाद में पता चला कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल था और उसकी 2-5 दिन पहले वहां मृत्यु हो गई थी, लेकिन देश की भलाई के भाव भाव में वो उसका आत्मा वहां घूम रहा था और इन भूले हुए सैनिकों को रास्ता दिखाया। 1965 की घटना है। तो मरने के बाद ये जीव कुछ समय तक तो उसी भाव में उसी आकृति में छाया पुरुष की आकृति में रहता है। अब उनका कुछ श्राद्ध कर्म आदि किया जाए, उनके लिए सदगति का भाव किया जाए तो उन्हें लाभ भी होता है। एक बार नामदेव जी जा रहे थे और इमली में से बड़ा जिन्नात निकला, वो आकृति भयंकर विराट आकृति दिखाकर डराकर फिर हमारे अंतःकरण में घुसना चाहते थे, लेकिन नामदेव को तो सब में भगवान दिखते थे, तो नामदेव को भूत दिखा लेकिन भगवत भक्ति थी, तो नामदेव कहने लगे भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ, बड़ा बड़ा पुरुष था, लंबा लंबा, लंबी लंबी भुजाएं थी, आकाश को छुए सा मत्था, भले पधारो लंबकनाथ, धरती पे चरण आकाश लो मात, धरती पे पैर आकाश लो मात, भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ, धरती पे चरण आकाश लो मात, योजन जैसे लंबे हाथ, भले पधारो लंबकनाथ, सुर संकादि गुण तुम्हारे गाए, सुरसन कादी गुण तुम्हारे गाए, नाम देव को करो सनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। अंतर्यामी ईश्वर ने देखा कि तो भूतड़े में भी मेरे को देख रहा है, अब मेरे को यहां प्रकट होना पड़ेगा। भगवान प्रकट हो गए, भूत का उद्धार हो गया और नाम देव को भगवान के दर्शन हो गए। प्रतिमा मंत्र तीर्थेशु, प्रतिमा मंत्र तीर्थेशु, प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु, प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु, देव देव से भेषजे गुरु, देव से भेषजे गुरु, यादृशी भावना यस्य, यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर भवति तादृशी, सिद्धिर भवति तादृशी। ये मंत्र, ये श्लोक तो सरल है, आप समझ गए होंगे। प्रतिमा में, मंत्र में, तीर्थ में, देव में, गुरु में, भेख में, जिसमें जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, भावना होती है, उसको ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। तो माँ में भगवत बुद्धि करो, पिता में, गुरु में, अरे पत्थर की प्रतिमा में भगवत बुद्धि करते हैं तो अंतःकरण पवित्र होता है। तो पति में परमात्मा बुद्धि करके पत्नी उसकी सेवा करती है तो उसकी परमात्मा बुद्धि, उसके पति में भले दम न हो फिर भी परमात्मा बुद्धि के प्रभाव से उसका तो मंगल हो जाता है, सतीत्व बल निखरने लग जाता है। नहीं तो मायके जाऊंगी, लौट के नहीं आऊंगी, आजकल के नाटक सिनेमाओं को आग लगाओ,
आप तो भारतीय संस्कृति के अनुसार पति की गत पति जाने तू पत्नी अपना कर्तव्य निभा, पत्नी की गत पत्नी जाने तू पति है अपना कर्तव्य निभा। तुकाराम की पत्नी बड़ी झगड़ाखोर थी, कभी कभी पिटाई भी कर देती थी, लेकिन तुकाराम भगवान का भजन करते थे, उसमें दोष नहीं देखते। एक तत्व चिंतक थे, उनकी पत्नी भी ऐसी थी सुकरात, ऐसा सुनाती दिन रात, कभी कभी तो ऐसा सुनाती कि मेरे सारा भी पढ़ रहे, जब दर्शन शास्त्र ही पढ़ना था, गीता और उपनिषद पढ़ना था तो उन्हीं से शादी कर लेते, मुँह है मेरे को शादी करके यहाँ लाए, कम भक्ता भागे कहीं के, ऐसा सुना देती। एक बार तो सुकरात बैठे थे और वो सुनाते सुनाते वो भांडे मांजे, जिस बाल्टी में गंदा पानी था झूठे बर्तनों का, इतना इतना बोलती और इसके नक्कटे को कोई पसर नहीं होती, उठाकर पूरी बाल्टी उड़ेल दी। सुकरात खड़खड़ाट हंसा कि गरजते भे मेघ आज बरसे हैं, वाह वाह कूलर का कंडीशन हो गया, एयर कंडीशन नहीं तो कूलर कंडीशन कर दिया, थैंक यू। पत्नी का मन बदल गया, बोले ये तो आदमी है क्या है, भगवान है। तो पत्नी ऐसी है, चलो डाइवर्स दे तो दूसरी क्या पता कैसी आए, पति ऐसा है डाइवर्स दो दूसरा मिले कैसा मिले, लोग उंगली उठाए शादी नहीं करे तो, या तो बन जा साधु या साधुई, या तो फिर संसार का घड़ा धकेलते धकेलते जैसा है ऐसा चलाया कर। औरत बदलने से काम नहीं होगा, आदमी बदलने से काम नहीं होगा, अविवेक को विवेक में बदल दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। हरि ओ हरि ओम। भोक्तारं यज्ञ तपसां भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। अब ये जान लिया कि भगवान हमारे परम सुहृद है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है। तो हाथ की उंगली मिलाकर आंखें बंद करके हरि ओम का गुंजन करो और उसे प्यार करते जाना। हरि ओम हरि हरि ओम। तुम भगवान के लिए बैठे हो, आज का श्लोक विवेक वैराग्य और मोक्ष की इच्छा जगाने वाला, भगवत प्रीति जगाने वाला सत्संग सुनकर अब हम भगवान के होकर काम करेंगे, भगवान की प्रसन्नता